Son Luquillo, sir. सिंघम देख के बहुत मजा आता है, सिम्बा देख के मजा आता है कि उनका मकसद है कॉमेडी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर उसके थोड़ा सा मकसद है कि एक सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है। तो इस फिल्म की टोनालिटी अलग है, जॉनर अलग है। मुझे सरफरोश देख के बहुत अच्छा लगा था आमिर सर को, और जंजीर में बच्चन साहब को देख के अच्छा लगा था। शूल फिल्म आई थी उसमें मनोज सर थे, उनको देख के अच्छा लगा था। तो ये फिल्में हैं जिनको देख के इंस्पायर होता हूँ एज कॉप ड्रामा। क्रिकेट सिनेमा दो ऐसी चीजें हैं जिसमें है कोई जात पात नहीं है। यहाँ पे हम अपनी क्रू में, कास्ट क्रू में कोई पूछता नहीं आप कौन सी जात से हैं, और क्रिकेट खेलते हुए कोई पूछता नहीं। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको देखते हैं, ताली बजाते हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और वैसे ही होना चाहिए। चेंज यह है कि सर ने मुझे एक किताब दी थी जूठन, उनका पूरा नाम वाल्मीकि, क्या नाम है, हाँ, तो उन्होंने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी मुझे। तब मैं ड्रीम गर्ल शूट कर रहा था, और मैंने कहा सर ये किताब बहुत हार्ड हिटिंग है और बहुत डिप्रेसिंग, मैं कॉमेडी फिल्म शूट कर रहा हूँ, मैं अभी शूट नहीं कर पा रहा हूँ ये किताब पढ़ने के बाद। तो आई वॉज रीडिंग दैट बुक थ्रू आउट वाइल शूटिंग फॉर आर्टिकल 15। तो उसके ये असर पड़ा कि मुझे नींद ठीक तरह नहीं आती थी। आप देखेंगे इस फिल्म के अंदर कि मैं कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ, तीन दिन से सोया नहीं हूँ, और ये फिल्म में दिखाया भी गया, और मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज रीडिंग सच हार्ड हिटिंग लिटरेचर, और ये सर ने मुझे दी थी। सो आई थिंक ये फ़र्क पड़ता है, आपके मानसिकता में फ़र्क पड़ता है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ऐसा ना सोचते हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है। हमारे इंट्रिंसिकली हमारे ऐसे ऐसे समाज में है कि हम अलग बर्तन रखेंगे हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स के लिए। ये सिर्फ इंडिया में होता है, कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है। और हम शायद मील शेयर नहीं करते अपने शॉफों के साथ, ये हम US जाएंगे तो कर लेंगे। तो इट ओनली हैपन्स इन इंडिया। तो ये क्लास डिवाइड को हमें धीरे धीरे मिटाना है, इसको वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इस बारे में सोचना मैंने शुरू किया है, वैसे ही बाकी लोग शुरू करेंगे सोचना। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 28 वर्ष है, तो हमारा देश बहुत यंग है, और ओपिनियन लीडर्स जो है हमारे देश के यूथ ही है, तो यूथ ही बदल सकते हैं हमारे देश को, और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमारा आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो यूथ की आवाज़ है। जितने भी हमारे रैपर्स उसके अंदर हैं, उन्होंने खुद लिखा है, बहुत हार्ड हिटिंग रैप लिखा है, और बिल्कुल आपको टच करता है, यहाँ पर चीर के चला जाता है। तो यही इस फिल्म का मकसद भी है। सर आप जब आप छोटे थे, जैसे आपके माँ बाप ने आपको ट्रीट किया, बड़े होकर आपको अपने माँ बाप को वैसे ट्रीट करें, वो भी बच्चे हो जाते हैं उसके बाद, तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए।